हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। रिलायंस मेट सिटी के एक न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी की, वो सारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। कृपया करें वीडियो को पूरा देखें और सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी अपना किसी भी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, किसी भी सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँ, रिलायंस मेट सिटी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी और आधुनिक सिटी बनने जा रही है रिलायंस मेट सिटी। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है अगले महीने या बहुत ही जल्दी कंपनी के रेट रिवाइज होने वाले हैं और कंपनी वह अपना दरियापुर दिल्ली बॉर्डर के ऊपर डासा बॉर्डर के पास अपना एक नया सेक्टर लेके आ रही है। इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे उसके अंदर और कंपनी का रेट रिवाइज कमिंग सून है। ये जो जानकारी है ये पहले भी मैंने आपको दी है बहुत बार, मैं फिर से आपको दे रहा हूँ, अभी भी कभी भी कंपनी के रेट रिवाइज हो सकते हैं। इसलिए जिसका भी अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है इस वीडियो में मैं उसको बताऊँगा, उसके पास एक सुनहरा मौका है रेट रिवाइज होने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट करने का। रेजिडेंशियल प्लॉट है तो रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर आपको किस सेक्टर के अंदर, किस पॉकेट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये जानकारी दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, रिलायंस मेट सिटी के अंदर सेक्टर आठ है, रेजिडेंशियल सेक्टर सभी को पता है। इसके अंदर कंपनी ने 5 पॉकेट ऐसी हैं जिनका कंपनी ने पोजीशन दे दिया है और कंपनी सभी का सेल डीड करवा रही है और इन्हीं पांच पॉकेट के अंदर अगर आप प्लॉट ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो कंपनी से पहले आपको अपनी सेल डीड करवानी पड़ेगी, कंपलसरी है। पॉकेट एल है, पॉकेट जे एंड के है, पॉकेट सी एंड डी, पाँचों पॉकेट की कंपनी ने पोजीशन दे दी है। इनके अंदर अपना मकान बनने का काम स्टार्ट हो गया है और सारी फैसिलिटी बिजली पानी हर चीज़ प्रोवाइड करवा दी गई है, 24 आवर्स बिजली पानी की सुविधा है। अपकमिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी उसके बारे में एक बार आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपका 5 एकड़ में सेंट्रल पार्क रहेगा प्लस 25 एकड़ के अंदर आपका पिकनिक स्पॉट या आर्टिफिशियल समझ लो वो रहेगा। 3 एकड़ के अंदर आपका क्लब हाउस रहेगा। लगभग 8 एकड़ के अंदर आपका मंदिर साइट रहेगी, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, कम्युनिटी सेंटर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मैंने आपको बताया था मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छी पॉकेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेक्टर 8 के अंदर कौन सी रहेगी। मैं आपको बता दूं सेक्टर 8 के अंदर ई पॉकेट है, सेंट्रल 5 एकड़ के सेंट्रल पार्क के साथ में, बिल्कुल मंदिर साइट के साथ में है, नियर क्लब हाउस है। आप कुछ कदम पैदल चल के क्लब हाउस की तरफ जा सकते हैं, कुछ कदम पैदल चल के आप नियर बाई आपके आर्टिफिशियल लेक रहेगी और कम्युनिटी सेंटर नज़दीक रहेगा। ई पॉकेट है, ये एक ऐसी पॉकेट है इसके अंदर आपकी लोन की सुविधा मिल जाती है, लगभग 1 साल का इसके अंदर आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है। ये सारी सुविधाएं ई पॉकेट के आसपास नियर अबाउट हैं और ये एक ऐसी पॉकेट है जिसमें आपको लगभग 5 साल का टाइम मिलेगा अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करने का। और इस पॉकेट के अंदर जब आपको कंपनी पोजीशन देगी तब ये एक आपको ऑफर निकालेगी जिसमें जो कम आपके प्लॉट की वैल्यू रहेगी उसका 10% कंपनी आपको रिफंड करेगी। हर पॉकेट के अंदर ये कंपनी करते आई है, एक ऑफर निकालती है कंपनी की अपना निकालती है, जो प्लॉट की वैल्यू होती है उसका लगभग 10% आपको रिफंड करती है कंपनी। तो जैसे ई पॉकेट के अंदर 75,000 रुपये गज से बुकिंग स्टार्ट थी तो आप मान के चलिए उसका 7,500 रुपये से 10,000 रुपये गज का आपको पर गज रिफंड मिल जाएगा ई पॉकेट के अंदर रहेगा। लेकिन ये और सभी पॉकेट के अंदर आपका सेल डीड हो गई है, ई पॉकेट एक ऐसी है जिसमें सेल डीड नहीं हुई है और अभी इसमें पोजीशन मिल जाएगी, नियर अबाउट है, काम इसके अंदर हो चुके हैं, गलियां बननी स्टार्ट है, बिजली पानी की सीवर की सारी लाइनें दबा दी गई हैं और नियर अबाउट मैंने आपको इसके अंदर बता ही दिया आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ के पास रहेंगी। ये एक ऐसी पॉकेट है जिसके अंदर कोई अदर लैंड नहीं है, ये एक अकेली ऐसी पॉकेट है जो 24 मीटर और 30 मीटर रोड दोनों से कनेक्ट है, डायरेक्ट हाईवे से कनेक्टिविटी है, नियर क्लब हाउस है और लोन की सबसे बड़ी लोन की इसके अंदर आपको सुविधा मिलेगी। इन फ्यूचर रिलायंस मेट सिटी के अंदर सेक्टर 8 के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पॉकेट रहेगी वो आपकी ई पॉकेट रहेगी। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कोई अदर लैंड नहीं है और जो नियर अबाउट इसकी चीज़ें हों मैंने सारी आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर आपका लोन हो जाता है, लोन की जो इसके अंदर सुविधा है वो आपको किसी पॉकेट में नहीं मिलेगी, पेमेंट प्लान आपको इसमें लगभग 1 साल का मिल रहा है और सभी पॉकेट के अंदर आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रेजिडेंशियल के अंदर वो मेरा स्क्रीन पे नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो आपके यारे प्यारे दोस्त मित्र जो भी हैं रिश्तेदार आप उनको वीडियो शेयर करें
जो इन्वेस्टमेंट करने का जिनका प्लान है, ये आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। रेट रिवाइज होने से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जो रेट चले हुए हैं उन्हीं रेटों में आप आने वाले टाइम में ये रेट आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेट सिटी है बहुत बड़ा, एक 10,000 एकड़ के अंदर एक पूरा आप मान के चलिए स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी, आपस में सारी कनेक्ट रहेगी। लास्ट में जो मैंने आपको दो तीन बातें और बतानी थी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। रिलायंस मेट सिटी के अंदर 400 एकड़ के अंदर फुटवियर पार्क आ रहा है, और सबसे बड़ी जो समस्या आप कनेक्टिविटी की बताते थे, मैं आपको बता दूं, द्वारका एक्सप्रेसवे से चंदू, धनकोट, फरूकनगर होते हुए मेट सिटी के अंदर से जैजर, जैजर से 152 डी पे 6 लाइन हाईवे का काम स्टार्ट हो गया है। ये हाईवे पूरा मेट सिटी, गुड़गांव, दिल्ली एयरपोर्ट, जैजर 152 डी, चंडीगढ़ टू जयपुर हाईवे, इन सभी हाईवे को ये जोड़ेगा, और ये मेट सिटी के बिल्कुल अंदर से गया हुआ 6 लाइन हाईवे बनने का काम स्टार्ट हो गया है। इससे आप समझ सकते हो मेट सिटी के जो प्राइस रहेंगे वो कितना ग्रो करेंगे, अप करेंगे। धन्यवाद।